दोस्तों, कुंड न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। जिलाध्यक्ष जी, आज जो दुहाई ईस्टर्न पेरिफेरल पे आप लोगों ने धरना दिया है, क्या मांगे हैं और किस मांग को लेकर आप यहाँ धरना दे रहे हैं? ये हमारी मांगे हमने पहले भी करा था। पहली बात तो ये अभद्रता करते हैं किसानों के साथ। बाउंसर इन्होंने पाल रखे हैं सैलरी पे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि कोई भी बाउंसर प्राइवेट कंपनी नहीं रखेगी। जब पुलिस प्रशासन है, थाने चौकी हैं, इनके कर्मचारी हैं टोल के, तो फिर बाउंसरों की जरूरत क्या? कोई बदमाश आते हैं क्या? या ऐसी जो हरियाणा में भी देखने को घटना मिली थी, ऐसी घटना कराना चाहता है यहाँ का मैनेजर? तो एक तो हमें यह है कि बाउंसर हटने चाहिए यहाँ से, पहली मांग जो आम जनता के लिए भी मांग है। दूसरी हमारी मांग ये है, जब ये हाईवे बन रहा था तो इसमें हमें आश्वासन दिया था NHAI की तरफ से और कंपनी की तरफ से जो बना रही थी, कि हम जो है किसानों के गांवों में सर्विस रोड बनाएंगे, क्योंकि ऊंचे ऊंचे हाईवे बने, किसान को कोई लाभ नहीं। किसान अपनी ज़मीन दे के बैठ गया है ना, आज तक किसानों की सर्विस रोड नहीं बनी है। जहाँ तहाँ इन्होंने बना के छोड़ दी, थोड़ी 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 थोड़ी, कहीं 100 मीटर कहीं 50 मीटर, लेकिन गाँवों में कोई भी सर्विस रोड नहीं बनी है। दूसरा हमारा ये है कि लोकल लगता है 5 से 6 किलोमीटर तक का, लोकल के किसानों के जो है हमारा टोल फ्री किया जाए। हर गांव में इसका आक्रोश है, ये गांव के लोगों से भी, अगर किसी को 5 किलोमीटर भी अगर हाईवे से चढ़ के उतरना है तो भी ये टोल वसूली करते हैं, डबल टोल वसूली करते हैं। अगर गांव का किसान आ भी जाएगा, कोई किसी बीमार व्यक्ति को लेकर जाएगा, तो उससे डबल डबल टोल करते हैं। अभी हमारे किसान के पदाधिकारी हैं, वो दुहाई से चढ़े और दास ना उतरे, तो उनके 15 रुपये की जगह 170 रुपये का मैसेज आता है। और ऐसे ही कई उदाहरण हैं, मैं उदाहरण भी पेश कर दूंगा अगर साक्ष्य की बात आएगी तो। मतलब ऐसे हैं कि कई कई 100 रुपये काट रहे हैं, तो ये किसने अधिकार दे दिए ना किसी के पैसे? जिस तरह से आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, इससे पहले भी काफ़ी संगठन जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं काफ़ी इसी मांगों को लेकर, लेकिन NHAI द्वारा यहाँ पर अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। आप लोग कब तक इस संगठन को, इस धरने को चलाते रहेंगे और कब तक आपकी ये बात रहेगी? ये हमारी, जब तक ये हमारी बात मानी नहीं जाएगी, हमने पहले ही घोषणा कर रखी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य अनिल तालान जी ने घोषणा करी है कि धरना अनिश्चितकालीन रहेगा, और इसमें पूरे प्रदेश में अगर आदमी आने पड़े, अगर नोएडा की जरूरत पड़ी तो नोएडा का पॉइंट भी फ्री करा जाएगा इसका, पेरिफेरल का। यहाँ हम फ्री करेंगे, 1 घंटे बाद वहाँ भी फ्री करेंगे, लेकिन किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने ठेकेदारे से पाल लिए कि ये, मतलब कुछ नेता ऐसे हो गए चाटुकार, जो अपने मतलब जी हमारा नंबर चढ़वा दो, हमारी अपनी गाड़ी निकल जाएगी, 4 गाड़ी निकलवा दो, 10 गाड़ी निकलवा दो, किसानों के निकलो या ना निकलो, मतलब किसानों के साथ खिलवाड़ कुछ लोग कर रहे हैं, वो खिलवाड़ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसे फ्री करा के जाएंगे, जो लोकल के गाँव होंगे हम गाँवों में जाएंगे। आज हमने अनिश्चितकालीन की घोषणा कर दी, हम गाँव जाएंगे, गाँवों में जाकर पंचायतें करेंगे, लोगों को जगाएंगे, क्योंकि लोगों का भी एक विश्वास टूट गया संगठन से, क्योंकि यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो सेटिंग कर लेते हैं उन नेताओं से। तो मैं उन नेताओं को भी चेताना चाहता हूँ कि हम या तो गिरफ्तारी देंगे यहाँ से, लेकिन हम किसी की यहाँ ठेकेदारी प्रथा नहीं चलने देंगे। किसानों का शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जिन किसानों की ज़मीन गई है उनके हकों की, अधिकार की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। मैसेज वाली प्रथा आई कहां से है? जब सिटी से बात यह है, जब ये हाईवे बना था कि 5 से 6 किलोमीटर तक के गांवों का लोकल रहेगा, तो ये मैसेज वाली प्रथा शुरू कहां से हो गई? कौन से ऐसे ठेकेदार आके लग गए कि जो इन्होंने प्रथा ये चला दी कि भाई 10 आदमियों के 20 आदमियों कहने से गाड़ी निकलेगी, बाकी किसानों के निकलेंगे नहीं?